आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक महान महिला वैज्ञानिक डॉक्टर कमला सोहनी के बारे में। हम लोगों का एपिसोड लगातार चल रहा है द रियल मेकर्स ऑफ इंडिया के नाम से। आप लगातार हमारे वीडियो कार्यक्रम से जुड़े रहें और यूट्यूब पर उपेंद्र अनमोल स्पेस आईएस चैनल को लगातार फॉलो करते जाएं, ताकि आप भारत के नवनिर्माण में, भारत के आधुनिक निर्माण में जिन महान लोगों ने योगदान किया उन सभी से अवगत हो सके और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, भारत में वास्तविक विकास की नींव, भारत में वास्तविक औद्योगिकरण और वैज्ञानिक स्वदेशीकरण की नींव जिन लोगों ने रखी है, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम लोग डॉक्टर कमला सोहनी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर कमला सोहनी का जन्म 1912 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और डॉक्टर कमला सोहनी ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। खासकर इन्हें भारत में पोषण क्रांति के लिए जाना जाता है, न्यूट्रिशियस रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। डॉक्टर कमला सोहनी के द्वारा नीरा नामक पेय पदार्थ बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कमला सोहनी को कहा था कि कमला, भारत में जनजाति क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत कुपोषित हैं, उनकी माएँ भी बहुत कुपोषित हैं और अनेक रोगों से ग्रसित हैं, क्या इसके लिए तुम कोई काम कर पाओगी? डॉक्टर कमला सोहनी ने इसको चैलेंज की तरह लिया और नीरा नामक पेय पदार्थ बनाया, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है और यह जनजाति क्षेत्रों में जो माएँ हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार का एक प्रमुख कारक बना। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी पुरस्कृत किया गया। लेकिन डॉक्टर कमला सोहनी का जीवन बहुत आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते होंगे आज़ादी के पहले महिलाओं के शिक्षा के अवसर बहुत कम थे और महिलाओं को शिक्षा के लिए इतने आसानी से अवसर प्राप्त नहीं थे। एक तो महिला जो है विद्यालयों की संख्या नहीं थी, दूसरे जो विद्यालय थे उसमें पुरुष बच्चों की या पुरुष विद्यार्थियों की ही मुख्यतः बहुतायत संख्या होती थी, या तो महिला विद्यार्थी होती ही नहीं थी या तो उनकी संख्या इक्का दुक्का होती थी और कई जगह ऐसी परंपरा बन गई थी कि महिलाओं को जो है दाखिला ही नहीं दिया जाता था, उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाता था। डॉक्टर कमला सोहनी के साथ भी ऐसा हुआ। जब इन्होंने जो है बीएससी की डिग्री कंप्लीट की तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु चली गई अपने पिताजी के साथ। डॉक्टर सी वी रमन जो नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारत के पहले वैज्ञानिक रहे थे, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नेतृत्व कर रहे थे। बात 1933 की है जब डॉक्टर कमला सोहनी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जब इन्होंने आवेदन किया तो इनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया, यह कहते हुए कि महिलाओं को यहाँ पे जो है एडमिशन नहीं दिया जाता, दाखिला नहीं दिया जाता। बाद में कमला सोहनी बहुत कमिटेड थी, बहुत ही ज़्यादा जो है उत्सुक थी, इस नाते अपने पिताजी के साथ सीधे डॉक्टर सी वी रमन के से मिलने गई और जब उन सी वी रमन से बात हुई तो सी वी रमन ने कहा जनरली हम महिलाओं को एडमिशन नहीं देते क्योंकि यहाँ रुक करके शोध करना पड़ता है और शोध करने के लिए चूंकि यहाँ पे रुकना पड़ता है और यहाँ महिलाओं की संख्या बिल्कुल नहीं है तो महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। कमला सोहनी को यद्यपि ये बहुत बुरा लगा, बाद में उन्होंने जब और ज़्यादा उत्सुकता दिखाई और बहुत अच्छे से जानते हैं कमिटमेंट दिखा डॉक्टर कमला सोहनी के अंतर्गत, तो डॉक्टर सी वी रमन अंततः तैयार हो गए। यद्यपि कमला सोहनी को बुरा लगा डॉक्टर सी वी रमन का रवैया कि इतने बड़े और महान वैज्ञानिक होने के बाद भी महिला और पुरुषों में गैर बराबरी का नजरिया रखते हैं। यद्यपि डॉक्टर सी वी रमन इस तरीके का नजरिया नहीं रख रहे थे, वो एक ऐसा परिवेश था जिसमें इस तरीके की परिस्थिति बन गई थी कि महिला विद्यार्थी सामान्यतः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला नहीं पा पाती थी। तो जब डॉक्टर कमला सोहनी को वहां एडमिशन मिला और एक साल का प्रोबेशन में उन्होंने काम किया तो बाद में फिर महिलाओं की एंट्री की एक नई परंपरा शुरू हो गई। बल्कि डॉक्टर सी वी रमन ने कहा भी कि कमला, तुम्हारे नाते हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिया है और तुम्हारे बाद अब दो महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने का और जो है अवसर हम लोग दे रहे हैं। तो
तो एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर सीवी रमन के व्यवहार में भी डॉक्टर कमला सोहनी के कमिटमेंट और विज्ञान के प्रति लगाव और झुकाव के कारण जो है सीवी रमन के मन में भी बदलाव आया और उनको भी लगा कि महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में निश्चित रूप से भागीदारी मिलना चाहिए और अंततः जानते उन्होंने इसमें सहयोग भी किया। डॉक्टर कमला सोहनी ने बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। जैसा कि आपने पढ़ा होगा तमाम जो है इंटरनेट पर बहुत सारे कंटेंट में यह बताया गया है कि डॉक्टर कमला सोहनी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई या विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक रही है। ऐसा नहीं है, भारत में विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक डॉक्टर जानकी अम्माल रही हैं जिनको 1931 में विज्ञान विषय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई और फाइटो मेडिसिन के क्षेत्र में बॉटनी के क्षेत्र में उन्होंने अपने शोध पर 1931 में ही पीएचडी की डिग्री प्राप्त की जिसको डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कमला सोहनी को जो है विदेशी विश्वविद्यालय से दूसरे नंबर पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई 1939 में और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक रही हैं जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय से विज्ञान की विज्ञान विषय में पहली बार पीएचडी की डिग्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राप्त हुई। इस तरीके से भारत की पहली महिला वैज्ञानिक डॉक्टर जानकी अम्माल रही हैं जिन्हें पीएचडी की डिग्री अमेरिकी विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। डॉक्टर कमला सोहनी दूसरी महिला वैज्ञानिक रही हैं जिन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक रही हैं जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में 1944 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। तो इस विषय को आप जानते रहिए। डॉक्टर कमला सोहनी ने क्या क्या काम किया इस विषय पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। डॉक्टर कमला सोहनी ने जो है सेलुलर एंजाइम साइटोक्रोम सी की खोज की। आलू के कोशिका में साइटोसोम सी की खोज डॉक्टर कमला सोहनी के द्वारा किया गया और सेलुलर एंजाइम के फंक्शन पर अध्ययन किया गया। इसके अलावा डॉक्टर कमला सोहनी ने दूध पर बहुत अध्ययन किया, मिल्क पर बहुत अध्ययन किया, खासकर मां के दूध पर अध्ययन किया, गाय के दूध पर अध्ययन किया, भेड़ के दूध पर अध्ययन किया और जो है गधी के दूध पर भी अध्ययन किया। डॉक्टर कमला सोहनी ने पहली बार दूध से प्रोटीन को अलग करके यह जानने की कोशिश की कि दूध का पाचन, दूध के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखा कि दूध में एक प्रोटीन कैसीन पाया जाता है और कैसीन ही जानते हैं अगर कैसीन डिकम्पोज हो जाता है, कैसीन का अगर अपघटन हो जाता है तो पाचन आसान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कमला सोहनी ने अपने अनुसंधान में देखा कि कैसीन का पाचन उसके आकार पर निर्भर करता है। कैसीन का आकार अलग अलग दूध में अलग अलग आकार का होता है। कैसीन का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा दूध के पाचन में उतनी ही कठिनाई आएगी। डॉक्टर कमला सोहनी ने भैंस के दूध में देखा कि कैसीन का आकार, कैसीन का जो अणु है मॉलिक्यूल ऑफ कैसीन उसका आकार ज्यादा था तो देखा इसी नाते भैंस के दूध को जब पिया जाता है या लिया जाता है तो उसका पाचन बहुत देर में हो पाता है। भेड़ के दूध में भी कैसीन का आकार बड़ा होता है लेकिन भैंस से थोड़ा छोटा होता है, इस नाते भैंस से जल्दी भेड़ का दूध पच जाता है। गाय के दूध में कैसीन का आकार थोड़ा और छोटा होता है जिसके नाते गाय का दूध और जल्दी पच जाता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक निष्कर्ष निकाला जिससे पूरी दुनिया अवगत हुई। जनरली हम लोग सोचते हैं कि माँ के दूध में कैसीन का आकार सबसे छोटा होता है लेकिन इन्होंने एक रोचक तथ्य पर रिसर्च किया और नया तथ्य निकल करके सामने आया कि माँ के दूध के बाद हम लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा दूध गाय का होता है। लेकिन डॉक्टर कमला सोहनी ने कहा और रिसर्च करके यह निष्कर्ष निकाला कि माँ के दूध के बाद दूसरा सबसे अच्छा दूध गधी का दूध होता है। गधे की जो फीमेल गधी होती है उसका दूध माँ के दूध के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा दूध होता है क्योंकि सबसे छोटा कैसीन अणु का आकार माँ के दूध में होता है, दूसरे नंबर पे छोटा आकार होता गधी के दूध में, तीसरे नंबर पर होता है गाय के दूध में, चौथे नंबर पे होता है भेड़ के दूध में
और पांचवें नंबर पे होता भैंस के दूध में। माँ का दूध सबसे अच्छा है, सबसे पहले इसीलिए पच जाता है क्योंकि सबसे छोटा कैसीन प्रोटीन का आकार माँ के दूध में होता है। तो ये बड़ा रोचक तथ्य था और इसके माध्यम से यह जानना संभव हो पाया कि कौन सा दूध बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाए और कौन सा दूध बुजुर्गों के लिए प्रयोग में लाया जाए, रोगियों के लिए प्रयोग में लाया जाए। अपने इस रिसर्च को डॉक्टर कमला सोहनी ने नाम दिया ह्यूमनाइजेशन ऑफ बोफैलो मिल्क, कि बोफैलो मिल्क को मानव युक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो बोफैलो मिल्क से कुछ कैसीन का अणु निकाल लिया जाए, इसीलिए सिंगल टोन्ड डबल टोन्ड जो दूध बनाया जाता है तो उसमें ना केवल फैट निकलता है बल्कि प्रोटीन की कुछ मात्रा को भी निकाल लिया जाता है। तो पीने के लिए सिंगल टोन्ड या डबल टोन्ड दूध जो है उससे अच्छा होता है कि जो प्योर मिल्क होता है दूध भैंस का। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ बोफैलो मिल्क की अवधारणा यहीं से आई और यहीं से दूध के बारे में एक विस्तृत और गहन अध्ययन प्राप्त हुआ कि कौन सा दूध जानते पाचन के अनुकूल है, पाचन के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है। ऐसे अनेक प्रकार के अध्ययन को संपन्न करके डॉक्टर कमला सोहनी ने पोषण के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत की और नीरा नामक पेय पदार्थ बना करके कुपोषित बच्चों के जीवन में, जनजाति क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के जीवन में, जनजातियों के जीवन में, जनजाति महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने की आधारशिला खड़ा कर दी। डॉक्टर कमला सोनी ने जो नारियल का पौधा है या जो ताड़ का पौधा है उसके तमाम वैरायटियों से नीरा नामक पेय पदार्थ बनाया और उसमें विटामिन ए की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा और आयरन की मात्रा को बढ़ा करके एक ऐसा पेय पदार्थ डिजाइन किया जो कुपोषित लोगों को, कमजोर लोगों को देने पर उनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से बदलाव आने लगा और इस बदलाव के कारण अनेक जनजातियों को अनेक रोगों से बचाना संभव हो पाया। इस नाते कमला सोहनी को धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग जानने लगे और इनके शोध और बोध का महत्व जानते हैं, हर कोई समझने लगा। इसीलिए डॉक्टर कमला सोनी को भारतीय महिला वैज्ञानिक के रूप में बहुत सम्माननीय स्थान प्राप्त है और इन्होंने न केवल जैव रसायन में इस तरीके की शोध को आधार दिया बल्कि अनेक प्रकार की और खोजों के लिए भी चर्चित हुई। जैसे इन्होंने सेलुलर एंजाइम और उसके फंक्शन पर बहुत ज्यादा काम किया जिससे पता चला कि कोशिकाओं में एंजाइम की भूमिका क्या है, कोशिका के उपापचय में एंजाइम की भूमिका क्या है। साइटोक्रोम सी जो आलू के पौधे की कोशिका में इन्होंने खोज की, बताया कि किस तरीके से जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें यह रिस्पॉन्सिबल होता है या किस प्रकार से जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से डॉक्टर कमला सोहनी ने अनेक प्रकार के शोधों को आयाम दिया और आजाद भारत में वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया और महिलाओं के लिए आदर्श बनकर के सामने आई। अनेक महिलाएं कमला सोहनी से प्रेरित होकर के विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ी और अपने आप को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तो डॉक्टर कमला सोहनी हमेशा हमेशा के लिए भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी और भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आदर्श के रूप में काम करेंगी। साथ ही साथ कुपोषण को दूर करने में इनके योगदान को हमेशा के लिए याद किया जाएगा और जनजाति क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की बहाली में इनके द्वारा खोजे गए नीरा नामक पेय पदार्थ को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। यद्यपि वर्तमान में WHO का मानना है कि सबसे बेहतर जो पोषण वाला भोजन है वो माँ का गाढ़ा दूध होता है, पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता था सरकारी अस्पतालों में तो उसको नीरा नामक पेय पदार्थ पिलाया जाता था। अब माँ का पहले दूध पिलाया जाता है, अब इस नाते वैसी भूमिका तो नीरा नामक पेय पदार्थ का रह नहीं गया है, लेकिन अभी भी जनजाति क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जंगली और मरुस्थली क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल हैं, जहाँ पे कुपोषित लोग जो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, वहाँ अभी भी नीरा नामक पेय पदार्थ का उपयोग करके उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव किया जाता है, फिर दवाओं का प्रयोग करके अनेक रोगों से उनको मुक्त किया जाता है। इसलिए डॉक्टर कमला सोनी का योगदान भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा हमेशा के लिए अपने योगदान के लिए जानी जाएंगी।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं द रियल मेकर्स ऑफ इंडिया के एपिसोड में, एक महान वैज्ञानिक से या एक महान जो है औद्योगिक या आर्थिक क्रांति के प्रेरणा से, ताकि हम जान सके कि भारत के नवनिर्माण में किन लोगों ने योगदान किया। आप सभी को मेरा बहुत